जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे बख़ैर आफियत, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह के शुक्र है आप सबकी दुआओं से। और मुझे यकीन है बिल्कुल कि आप सब लोग मुझे दुआ में याद रखते होंगे, इसलिए क्योंकि मैं आप सबको अपनी दुआ में याद रखता हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं आप लोग के लिए दुआ करता हूँ तो आप लोग मेरे लिए ना करते हो, तो ये तो मुझे पता है। आप लोगों से मुलाकात होती रहती है, अब थोड़ा थोड़ा टाइम गैप, उसका मैंने टाइम पीरियड बढ़ा दिया वैसे, क्योंकि यार एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, यकीन करें बहुत मेहनत। और आप लोग देखते नहीं हैं और इतने सब्सक्राइबर्स भी नहीं हैं, तो वो फिर एक मायूसी सी होती है। लेकिन जो लोग देखते हैं वो बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, वो एफर्ट मेरी सराहते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए उनके लिए मैं वापस भी आ जाता हूँ बार बार। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और एक छोटी सी बात मैंने 1-2 दिन पहले कहीं पढ़ी, तो मुझे ना वो जहन में थी बार बार, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूं। ज़रूर एक थॉट है, एक समझ लें आपके न्यू पॉइंट ऑफ थिंकिंग है, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं कि मैंने कहीं पढ़ा बड़ा दिलचस्प एक किस्सा, और उसके एंड में ये लिखा हुआ था कि एक कहावत है कि आप वो होते हैं जो आपके इर्द गिर्द के 5 लोग हैं ना, उनको मिलाकर आपकी शख्सियत बनती है। तो बात ना काफी सोचने वाली भी थी, और मुझे तो हिला के रखने वाली भी थी, और बड़े पॉइंट्स थे उस बात में कि आपके इर्द-गिर्द के जो 5 लोग हैं ना, वो आपकी पर्सनैलिटी है, वो आपकी पर्सनैलिटी को बनाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी उन 5 लोगों का मजमू है। तो मैंने भी ना जरा अपने अपने आप को सोचा और देखा, तो मैंने अपने इर्द-गिर्द नजर दौड़ाई कि जितने लोगों को मैं जानता हूँ ये मेरे क्लोज कौन लोग हैं। तो जब मैंने नज़र दौड़ाई, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि 5 लोग भी नहीं है टोटल, मतलब जो मुझे लगता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ लोग बुरे थे या कुछ अच्छे थे, नहीं, जो मुझे लगता है कि मेरे साथ चलने वाले लोग हैं। साथ चलने वाले से मुराद ये नहीं कि किसी मतलब के टाइम पे, जरूरत के टाइम पे काम आना, वो भी गलत बात नहीं है। जरूरत के टाइम पे दोस्त है, बाप फैमिली वाले काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। लेकिन मैंने ये देखा कि इर्द गिर्द मेरे कौन है, तो अभी 2-4 लोग हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर लोग हैं, पीसफुल लोग हैं, तो शर पसंद नहीं है। तो ये चीज़ें अल्लाह का शुक्र है कि इन चीज़ों ने मुझे काफ़ी हेल्प की, और एक बैलेंस लाइफ मैंने अब शुरू की है। तो ज़िंदगी में अच्छे बुरे, फिर वही बात है, बुरे नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छे लोग भी मिलते रहते हैं और आपको सबक देने वाले लोग भी मिलते रहते हैं। आज से कुछ अरसा पहले तक 2 लोग मेरी ज़िंदगी में ऐसे शामिल थे, बड़ी पर्सनल और दिल की बातें, जो मैं अपने घर वालों से क्या, सॉरी मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं अपनी फैमिली से क्या, अपने दोस्तों से भी शेयर नहीं करता। तो 2 लोग ऐसे थे जो कि बिल्कुल उनके मेरी वाइब मैच नहीं करती थी, बिल्कुल समझ लें कि वो, मैं खुद को ही ज़मीन कहूँगा, मैं ज़मीन हूँ तो वो आसमान है, मैं समंदर का ये किनारा हूँ तो वो लोग समंदर का वो उस पार है। तो आपको समझ नहीं आता, आपको कैलकुलेट करने में, फाइंड आउट करने में टाइम लग जाता है कि इन लोगों से वाइब मैच नहीं हो रही, या ये लोगों से आपका दिल उस तरह से नहीं मिल रहा, या ये लोग हैं जो आपको रास नहीं आ रही। ये भी एक पॉइंट है, तो कुछ लोग होते हैं आप उनको बहुत रास आते हैं, लेकिन वो लोग आपको बिल्कुल रास नहीं। ये कैलकुलेट करना, ये फाइंड आउट करना भी बहुत बड़ी बात है कि कौन से लोग आपको रास आते हैं और कौन से लोग आपको रास नहीं आते। टाइम लग जाता है, मुझे भी कोई 7, 8, 10 साल लगे, लेकिन ये कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता चल गया। यार पता इंसान को चल जाता है, लेकिन ना हम लोग, मैं अपनी बात करूंगा कि मैं इतना वो नहीं हूँ, स्ट्रोंग नहीं हूँ, इतना मेच्योर नहीं हूँ, इतना मैं ना नहीं फैसला कर सकता, पता सबको होता है, लेकिन मैं उस चीज़ को खींचता हूँ, मुरव्वत लिहाज ये चीज़ें मेरे में बहुत ज़्यादा है, तो बाद में जाके नुकसान होता है इंसान को, पता चलता है। तो मैंने इस चीज़ को कैलकुलेट किया, मैंने कहा वाकई पहले कुछ लोग ऐसे थे जो मेरे से उनकी वाइब मैच नहीं कर रही थी। और मैं आप लोगों से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि हो सकता है किसी की कहानी, किसी की कोई चीज़ मुझसे मैच करती हो, या शायद कोई मेरी तरह स्टेप ना ले पा रहा हो जो 8, 7, 10 साल मैंने किया, तो शायद किसी के लिए हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ आप ना इर्द गिर्द सराउंडिंग देख के, सोच समझ के सिलेक्ट किया करें। आई नो इट्स नॉट अ ईजी टास्क, होते होते मुझे भी 8-10 साल लगे पता करने में। तो अपनी सराउंडिंग पता करें कि आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं वो किस तरह के हैं,
समटाइम ऐसा होता है आपको 7, 8, 10, 12, 15 साल किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती और आप ये सोच के बैठे होते हैं ठीक है यार ही और शी इज ऑलवेज देयर फॉर मी ना, आपके फ्रेंड्स आपके फैमिली में कुछ लोग होते हैं ऐसे, लेकिन अगर आपको जरूरत पड़ जाए खुदा ना पास्ता, पहले तो अल्लाह ना करे कभी आप लोग को जरूरत पड़ जाए तो वो लोग उस टाइम बिल्कुल साइड पर हो जाए, फिर आप क्या करेंगे? थोड़ी सी सेल्फिश बात लगेगी लेकिन लोगों को टेस्ट करते रहा करें, टेस्ट कर लिया करें इससे पहले कि एक लंबे अरसे के बाद लोग आपसे हर तरह का फायदा उठाते रहें, आपको यूज करते रहें, आपको साथ फेक दोस्त होके चलते रहें, तो वो ये हो जाता है कि मुश्किल हो जाता है कैलकुलेट करना और फाइंड आउट करना। तो लोगों को इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप टेस्ट करते रहते हैं, आपको पता चलता रहेगा कि क्या ठीक है और क्या गलत। और बार बार मैं वही बात कहूंगा, अपनी सराउंडिंग चेक करें, आपकी सराउंडिंग में कोई ऐसा बंदा है जिससे आपको नेगेटिव वाइब, समटाइम ये होता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा होता है, आपके फ्रेंड्स में कोई ऐसा होता है जो आपकी बॉन्डिंग आपको लगती है ऐसे है लेकिन आपकी वाइब उस बंदे से नहीं मैच हो रही होती, और यही इल्यूजन होता है जो आप लोगों को नहीं पता चलता। और जैसे ही आप उस बंदे से थोड़ा सा साइड पे होते हैं आपका हर काम बेहतर होने लगता है, आपका हर काम ठीक होने लगता है। और ऐसे कुछ दोस्त कुछ बहन भाई ऐसे होते हैं उनसे उन वो सितारा इतना आपका मेल खाता है कि जब आप लोग साइड पे होते हैं तो आपका सब कुछ बिखर जाता है। अब मेरा एक इतना बेस्ट फ्रेंड, एक ही एक दोस्त था, एक ही एक भाई था, इतना प्यारा दोस्त, इतना प्यारा इंसान, जब भी हम दोनों साथ होते थे तो उसका सितारा अरूज पर, मेरे हर काम अच्छे हो रहे हैं, एक दूसरे से हम बात करें कि वाकई यार हम एक दूसरे को कितना रास आते हैं, कितना सूट करते हैं एक दूसरे को। और जैसे ही थोड़ा सा हम लोग साइड्स पे होते थे तो मेरे भी हर काम में खलल पड़ रहा है, उसका भी काम डाउन जा रहा है, तो हम लोग एक दूसरे के ना थेरेपी करते थे, काउंसलिंग करते थे, तो दोबारा से जेलिंग हो जाते थे, तो हमें पता था कि अब हमारा अच्छा टाइम शुरू हो जाए, और ऐसा होता था। तो इसलिए आप लोगों से मैंने ये छोटी सी बात डिस्कस की है कि अपनी सराउंडिंग को क्लियर रखें, नेगेटिव लोग आपको समझ नहीं आते उन्हें बुरा भला मत कहें, खुद को निकाल लें, खुद को साइड पे कर लें। और जरूरी नहीं है ये बात बिल्कुल भी कि जो नेगेटिव नजर आ रहा है वो नेगेटिव ही हो, शायद वो किसी और की कहानी में पॉजिटिव हो, हम लोग के साथ भी ऐसे ही है, शायद किसी के लिए हम लोग बहुत अच्छे हो, मैं अपनी बात करूंगा, किसी के लिए पता नहीं मैं शायद उसको मैच ना करता हूँ, अच्छी वाइब ना देता हूँ। तो ये मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि कोई एक बंदा ही ऐसा है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल हम किसी की कहानी में बहुत अच्छे होते हैं, कोई हमारी कहानी में कोई बहुत अच्छा होता है, वही बंदा दूसरे की कहानी में बहुत बुरा होता है, हम किसी की कहानी में बहुत बुरे होते हैं, तो ये चीजें चलती हैं। फिर भी अपनी सराउंडिंग देखें, और इस बात को आज आपके लिए फूड फॉर थॉट है आपके लिए कि आपने आपकी थॉट के लिए फूड है कि आपने सोचना कि आपकी सराउंडिंग किन लोगों में है और किन लोगों में घिरे हुए आप बैठे हुए हैं, क्योंकि ये दिस इज द टाइम कि हम लोगों को पता होना चाहिए अपने आप को हम कहाँ देखते हैं, कैलकुलेट करके फाइंड आउट कर लेना चाहिए अब। तो ये आज छोटी सी वीडियो मैंने आपसे करनी थी बातचीत, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सब्सक्राइब कर दिया करें, दोस्तों से शेयर कर दिया करें। आपको पता है मुझे वो सब आता ही नहीं है कि कैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ाते हैं, कैसे फॉलोअर्स, कैसे जगह जगह आके कमेंट करके डिस्टर्ब करके लोगों को, तो जो लोग देख रहे होते हैं आगे शेयर कर दिया करें, कह दिया करें कि सब्सक्राइब कर दें, उससे मुझे भी हौसला मिलेगा और मजीद वीडियोस आती रहेंगी आपके लिए। अभी महीने बाद 2 महीने बाद इसलिए वीडियो भी डाल दूँ कि मेहनत बहुत होती है, फायदा नहीं होता वीडियो बनाने का, मतलब ये कि आप लोग देखते नहीं हैं, तो अगर कोई देखेगा तो फिर अच्छा लगेगा और वीडियोस आती रहेंगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, और जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं जो देखते रहते हैं उनको बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।